साथियों, राजपाल रावत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था एक ऐसे मैटर में, क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में थी, उनके विरुद्ध कुछ उन्होंने लिख दिया था। उस संबंध में मैंने कई जगह पे पत्राचार किया, जिसमें से मानवाधिकार आयोग के पास जो चिट्ठी गई उस पर संज्ञान लिया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी संज्ञान लिया और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी संज्ञान लिया, इस मैटर को आगे बढ़ाया। इसमें ऑर्डर दिया गया है हमारे उत्तरकाशी के जो एसएसपी है कि उसमें वो आख्या प्रस्तुत करे, उन्होंने आख्या प्रस्तुत करी और अब ये मांगा गया है, ये कहा गया था जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि इस मैटर में एसएसपी उत्तरकाशी द्वारा कि इस मैटर में उत्तराखंड शासन से अनुमति प्राप्त करके ही जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध 153 क के अंतर्गत कार्रवाई हो। मतलब चार्जशीट के बारे में कहा गया था कि पहले आप उत्तराखंड शासन से इसमें परमिशन लेंगे और ये परमिशन नहीं ली गई है। इस मामले में हमारे आयोग ने, माननीय आयोग ने निर्देशित किया है उत्तरकाशी के एसएसपी को कि अवगत कराए कि इस मैटर में क्या हुआ। 4 हफ्ते का समय दिया गया है, 19 मार्च तक उन्हें जवाब देना है और अगली तारीख है 27 जुलाई 2020। दूसरा मैटर 108 के जो पूर्व कर्मी हैं उनको जिस प्रकार से सुद्धोवाला जेल में इलीगली रखा गया, असंवैधानिक तरीके से रखा गया, उस मैटर में भी मेरा पत्राचार हुआ था। मैं इन सब मैटर्स में डीजीपी महोदय से भी मिली थी और उससे भी मिली थी और इस मैटर में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से आख्या मांगी, उनसे उनका पक्ष जानना चाहा मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। सितंबर के महीने में तारीख लगी, कोई जवाब नहीं आया, उन्हें फिर समय दिया गया 10 फरवरी तक। 10 फरवरी को भी जिलाधिकारी देहरादून और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों ने ही जवाब नहीं दिए। अब उनको 4 हफ्ते का समय और दिया गया है ये बताने के लिए कि इस मैटर में उनका क्या कहना है। अब देखना ये है कि 19 मार्च तक ये जवाब देते हैं या नहीं, वरना इसके बाद जो आगे की कार्यवाही है वो हम करेंगे, वो मुझे करनी है। आप लोग भी आंखें खोलिए, ऐसे लोगों को चुना करिए जो सचमुच में आपके लिए काम करना चाहें, जो सचमुच में चाहते हैं कि आपका भला हो, इस राज्य का भला हो। इस राज्य में बेलगाम ब्यूरोक्रेसी, बेलगाम पुलिस को अगर कंट्रोल में लाना है तो ऐसे नेताओं को चुनने की जरूरत है जो इनके केवल सजेशन पर नहीं चलते, उनकी अपनी भी कोई सोच हो, कोई ऐसे मजबूत नेता हो जो राज्य को आगे प्रगति पथ पर ले जा सके। इस तरह से राज्य प्रगति पथ पर नहीं जा सकता, तीसरे विकल्प की जरूरत है हमारे उत्तराखंड को और अच्छे नेताओं की जरूरत है जो सत्ता को संभाले और प्रदेश के लिए काम करे। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना और जिस तरह से बेलगाम हमारा सिस्टम है इसको ठीक करना है। यदि हमें अपने इस राज्य को, जो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से, बड़े महिलाओं के बलिदानों से मिला है, इस तरह से नहीं गवा सकते, इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकते। आइए मिलकर प्रण करें कि हम सब एक होकर अपने राज्य के लिए कार्य करेंगे, अपने राज्य की बेहतरी के लिए एकजुट होकर आगे से ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सच्चे हों, जो अच्छे हों, जो पढ़े लिखे हों, जो समझदार हों, जिनके अंदर सच्चाई हो, जो राज्य के लिए कुछ करना चाहते हो। और अगर हमने ये सोच लिया, ये ठान लिया तो हम अवश्य ये कर पाएंगे। जय हिंद।